हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, भैया जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप कितने स्क्रीन का यूज़ करते हो। और आप में से बहुत सारे बिगिनर्स इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, जो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, उनके पास इतना सारा स्क्रीन क्यों होता है, क्या करते हैं उन स्क्रीन का, सिर्फ वो दिखावा होता है या फिर एक्चुअल में उनका यूज़ होता है। आज के इस वीडियो में आपको ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड आप एक बिगिनर से तो आपको कितने स्क्रीन की जरूरत है और मैं कितने स्क्रीन का यूज़ करता हूँ अभी फिलहाल, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एज अ बिगिनर हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जितने भी फुल टाइम ट्रेडर हैं, जिनको मार्केट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग अपने सेटअप के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स का यूज़ क्यों करते हैं, क्या वो दिखावा होता है या फिर एक्चुअल में उनका यूज़ होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उन सारे स्क्रीन्स का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? एक स्क्रीन में चार्ट ओपन कर लेंगे, दूसरे स्क्रीन में ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करना पड़ता है, ऑप्शन चेन का डाटा देखना पड़ता है, तो वो एक अलग स्क्रीन में ओपन कर लेंगे। टाइम फ्रेम अलग अलग सेलेक्ट करके अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करके रखेंगे, मल्टीपल स्टॉक्स के चार्ट्स को ओपन करके रखेंगे, ताकि उन सारे स्टॉक्स को एक नज़र में एक साथ में देख पाएँ और समझ में आ पाए कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ से होने वाला है। मान लो कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर निफ्टी 50 के अंदर कर रहे हैं, तो उनके जो मेजर स्टॉक्स होंगे जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनमें से कुछ दो चार सेलेक्टेड स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उसका चार्ट ओपन करके रख लेंगे। अगर वो चार्ट, वो स्टॉक्स जिस तरफ परफॉर्म करेगा, मतलब बुलिश हो रहा है या फिर बेरिश, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो इस तरह से मल्टीपल स्क्रीन्स का यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं एज अ बिगिनर, एक चीज़ को देखेंगे। जैसे अगर हम लोग कैंडलस्टिक को देख रहे हैं तो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देखते रह जाते हैं, उसका चार्ट पैटर्न को नहीं देख पाते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम हम लोग ओपन नहीं कर पाते हैं जल्दी जल्दी। हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को ही देखते रह जाते हैं और उसी के बेस पर हम लोग तुरंत ट्रेड ले लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इधर बता रहा है, हम लोग इधर ट्रेड ले लेते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों का लॉस होता है। अगर हम लोग ऑप्शन ग्रिक्स को देखेंगे, जैसे कि ऑप्शन ग्रिक्स को देखना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेन इसमें होता है थीटा और डेल्टा, इसके अलावा गामा और वेगा भी होता है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बट थीटा और डेल्टा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ग्रिक्स जब देखने जाएंगे तो सिर्फ थीटा को ही देखते रह जाएंगे, डेल्टा को ही देखते रह जाएंगे, बाकी चीज़ों को हम लोग देख ही नहीं पाएंगे कि चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा नज़र नहीं जा पाता है और इसी वजह से हमारा लॉस होता है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, मल्टीपल कन्फर्मेशन लेना होता है। मल्टीपल कन्फर्मेशन मतलब चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, चार्ट पैटर्न कैसा बुलिश बन रहा है या फिर बेरिश बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को क्या बोल रहा है, थीटा डेल्टा क्या बता रहा है, ये सारी चीज़ों को एक साथ एक नज़र पे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सिंगल स्क्रीन पर। इस वजह से मल्टीपल स्क्रीन्स का यूज़ किया जाता है। मल्टीपल स्क्रीन में सारी चीज़ों को एक साथ ओपन करके रख लिए होते हैं और बस एक नज़र घुमाते हैं और सारी चीज़ों को एक साथ एनालाइज कर लेते हैं। तो जो एक्सपीरियंस होल्डर ट्रेडर होते हैं, उनको सारी चीज़ों को एनालाइज करने का हैबिट हो जाता है स्टार्टिंग से ही, तो वो लोग बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं और अपना ट्रेड डिसीजन ले पाते हैं कि मुझे कौन से ट्रेड लेना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना चाहिए। जब हम लोग बिगिनर्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को देखते हैं और उसी के बेस पर हम लोग ट्रेड ले लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो जाता है। तो मल्टीपल स्क्रीन का जरूरत ज़रूर पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है और आप उससे ट्रेडिंग करेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस। अगर आप सिंगल स्क्रीन का यूज़ करते हैं, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है और उससे अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करेंगे, इसके बाद जब आप चार्ट पैटर्न देखने जाएंगे तो वहाँ पर आप ऑप्शन चेन नहीं देख पाएंगे, फिर चार्ट पैटर्न को हटा करके जब आप ट्रेड प्लेस करने जाएंगे तो उस टाइम आप ये नहीं देख पाएंगे कि कैंडल्स किस तरह का बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट और डेल्टा थीटा क्या बता रहा है, तो उन सारी चीज़ों को आप नहीं देख पाएंगे। और अगर जब आपके पास मल्टीपल स्क्रीन रहेगा तो सभी तरफ आपका एक साथ नज़र रहेगा और जब आप ट्रेड लेने जाओगे, जब आप बाय करने का बटन दबाओगे, उस टाइम आप देख पाओगे कि मार्केट का क्या हालत है, किस टाइम पे किस तरह का मूवमेंट दे रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल कन्फर्मेशन के लिए मल्टीपल स्क्रीन्स का यूज़ किया जाता है। देखिए, अभी जो बिगिनर्स हैं आप लोग, कम से कम आपके पास दो डिवाइस होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइस नहीं हैं कोई बात नहीं, कम से कम आपके पास दो डिवाइस होना चाहिए जिसमें आप एक में कम से कम चार्ट पैटर्न देख पाएँ और दूसरे में आप ट्रेड ले पाएँ, या फिर आप एक में ऑप्शन चेन को देख पाएँ और दूसरे में आप ट्रेड ले पाएँ। अगर आप सिर्फ मोबाइल का ही यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आपके पास एक लैपटॉप है
तो लैपटॉप में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपका स्क्रीन डिवाइड होता है तो एक साइड में आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं, दूसरे साइड में आप क्या कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न ओपन कर सकते हैं और अपने मोबाइल पर आप डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितने स्क्रीन का यूज़ करता हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने तीन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास लैपटॉप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न को देखते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने ड्रॉ वगैरह किया हुआ है। तो इस तरह से आप लेवल्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम देख सकते हैं, मैंने जैसा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चार्ट पैटर्न को ओपन करके रखा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस करके रखा हुआ हूँ, लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं एक स्क्रीन के अंदर। इसके बाद अगर आपके पास सिर्फ सिंगल स्क्रीन है, एक ही आपके पास लैपटॉप है, तो आप इसको डिवाइड करके भी आधा आधा में देख सकते हैं। बट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक और स्क्रीन का यूज कर रहा हूं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अपस्टॉक एप्लीकेशन का आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने ऑप्शन चेन ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप भी अपस्टॉक के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से अपस्टॉक के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए ऑप्शन ग्रिक्स को भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन ग्रिक्स को हटा देंगे, बंद कर देंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का चार्ट ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन ग्रिक्स को इस तरह से इनेबल कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे ग्रिक्स आपके सामने दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखिए इन सब के बारे में तो मैं बताया हुआ हूँ ऑलरेडी कि डेल्टा कैसे देखना है, थीटा कैसे देखना है, गामा वेगा कैसे देखना है। तो इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो किए हुए हैं, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो होता है LTP होता है वो आप यहां पर देख सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, ये सारी चीज़ें आप यहां पर एक स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओपन इंटरेस्ट भी देखूंगा, कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है ओपन इंटरेस्ट के बेस पर। इसके बाद मैं यहाँ पर चार्ट के अंदर आकर के देखूंगा कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है, कहाँ पर ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं दो स्क्रीन का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा स्क्रीन हमारा यहाँ पर है। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं मोबाइल में ट्रेड लेता हूँ। मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी बैंक ओपन कर लूँगा, ऑप्शन चेन ओपन कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं जिसको भी खरीदना है, जिसको भी सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर देखूँगा थीटा और डेल्टा किस तरह से है, किसको मुझे खरीदना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लूँगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे चूज़ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, इसके बाद मैं यहाँ पर बाय करूँगा। तो जब मैं यहाँ पर डाटा फीड करके और जब रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, इसके बाद जब बाय करने जाऊँगा, उस टाइम मैं यहाँ पर दोनों स्क्रीन पर एक साथ नज़र बना करके रखूँगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल स्क्रीन का यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर तीन स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ, एक लैपटॉप जिसमें मैं चार्ट पैटर्न देखूंगा, दूसरा मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन को देखूंगा, ऑप्शन चेन के अंदर ये सारे डेटा रीड करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और स्क्रीन जिसपे मैं ट्रेड लूँगा, ट्रेड प्लेस करूँगा। इसके अलावा अगर आप इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं तो आप इंडिकेटर्स का यूज़ करने के लिए लैपटॉप के इसी स्क्रीन पर आप यहाँ से इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप इंडिकेटर्स को भी एक मल्टीपल कन्फर्मेशन के हिसाब से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, अब पहले करता था, तो अब मुझे यहाँ पर इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली मैं प्राइस को ही देख करके ट्रेड लेता हूँ। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपके ट्रेडिंग सेटअप्स को लेकर के सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दिया होगा एंड आपको ये तो समझ में आ गया कि आपके पास कम से कम दो स्क्रीन होना चाहिए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप सिंगल स्क्रीन के साथ ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि मैं यहाँ पर तीन स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ। पहले मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप था और सिंगल मोबाइल था, जिसमें मैं लैपटॉप में एनालाइज करता था और मोबाइल में ट्रेड लेता था। बट यहाँ पर मुझे और भी ज़रूरत पड़ी, ऑप्शन चेन को भी देखना था, तो मैंने यहाँ पर एक और स्क्रीन बढ़ा दिया। बट मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जा रहा है, धीरे धीरे मैं करके मैं भी अपने स्क्रीन्स को आगे बढ़ाऊँगा। तो फ्यूचर में मैं प्लान कर रहा हूँ कि और भी स्क्रीन्स मेरे पास रहें जिनसे मैं मल्टीपल कन्फर्मेशन ले सकूँ, बहुत सारे स्टॉक्स को मैं यहाँ पर ऐड करके रख सकूँ। हालाँकि अगर आप एक बिगिनर
क्वेश्चंस हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे एक साथ में, तो आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे और आपको कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। एंड आप जितने भी ट्रेड लेंगे आप फेल होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर मल्टीपल चीज़ों को एनालाइज करने जाएंगे और आप एक बिगिनर से, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उनको एनालाइज करने में समय निकाल देंगे, और जैसे जैसे आप ज़्यादा समय लगा देंगे एनालाइज करने में, तब तक आपका ट्रेड निकल जाएगा, चाहे ऊपर निकल जाएगा चाहे नीचे निकल जाएगा, और आप उसमें लेट हो जाओगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपके पास कम से कम दो स्क्रीन होना चाहिए, और कन्फर्मेशन के लिए कम से कम एक दो कन्फर्मेशन आपके लिए सफिशियंट होता है, दो कन्फर्मेशन आपके लिए सही रहेगा। बट आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपके पास कैपिटल बढ़ जाएगा, आपके पास फंड आ जाएगा, इसके बाद आप अपने स्क्रीन्स को भी बढ़ा सकते हैं और आप एनालाइज करने की पावर को भी अपने बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको कितने स्क्रीन की ज़रूरत है, मैं कितने स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, आगे कितना कर सकता हूँ, और बाकी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इतने सारे स्क्रीन्स क्यों लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ेगा, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।